होली के खास मौके पर इस बार ग्रह नक्षत्रों का बेहद खास संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग 499 साल बाद बना है। भारतीय वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा सोमवार को है। आचार्य भूपदत्त शर्मा कहते हैं कि इस दौरान गुरु बृहस्पति और शनि अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, जिसे सुख समृद्धि और धन विभव के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। वहीं ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि देवगुरु धनु राशि में और शनि मकर राशि में रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग 3 मार्च 1521 में बना था। दोस्तों, ऐसे मौके पर अगर आप अपने राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय कर ले तो आपकी जिंदगी से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हर प्रकार की परेशानी और बाधा आपके जीवन से चली जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको होलिका दहन की पूजा विधि बता देते हैं। उसके बाद आपको अपनी राशि के अनुसार एक काम करना है। आपको यह एक चीज होलिका दहन की अग्नि में डाल देनी है। यानी जैसे ही आप अपनी राशि के अनुसार इस एक चीज की अग्नि देंगे तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। बस आहुति देते वक्त आपको अपनी मनोकामना राशि अनुसार इस खास चीज की आहुति देने से कर्ज जैसी भारी परेशानी दूर हो जाती है। और अगर आपके घर का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है तो राशि अनुसार यह एक चीज आप उस अग्नि में अवश्य डलवाएं उस परिजन से, क्योंकि इससे उसकी हालत में तुरंत सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, होलिका दहन से पहले विधि विधान के साथ होलिका की पूजा करी जाती है। इस दौरान होलिका के सामने पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने का विधान होता है। पहले होलिका को आचमन से जल लेकर सांकेतिक रूप से स्नान के लिए जल अर्पण करें। इसके पश्चात कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना है। सूत के माध्यम से ही उन्हें वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। फिर रोली, अक्षत, फूल, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करे जाते हैं। पूजन के बाद लोटे में जल लेकर उसमें पुष्प, अक्षत, सुगंध मिलाकर अर्घ दे। इस दौरान नई फसल के कुछ अंश जैसे कि पक्के चने और गेहूं, जौ की बालियां भी होलिका को अर्पण करने का विधान है। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों में 4 सिद्ध रात्रि में से होलिका दहन वाली रात को भी सिद्ध रात्रि माना गया है। नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए होलिका दहन को सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन किए गए प्रयोग से मनचाहा फल मिलता है और जितनी भी परेशानियां नवग्रह जनित संबंधित हो यानी ग्रहों से संबंधित जितनी भी परेशानियां आपको आ रही है, जैसे विवाह में रुकावट या फिर आपकी जॉब में कोई रुकावट आ रही है या प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा अगर पैसों से संबंधित परेशानी है तो अपनी राशि के अनुसार होलिका दहन में लकड़ी जल अर्पित करनी चाहिए, फिर होलिका के साथ मिले लगाने चाहिए। दोस्तों, जानते हैं तो हम खास लकड़ी जो आपको राशि के अनुसार होलिका दहन में दहन करते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के लोगों को होलिका दहन के समय खैर की लकड़ी डालनी है और अपनी सभी परेशानी भूल देनी है। इससे उसकी सभी परेशानियां, इन राशि के जातकों की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वृष और तुला राशि वाले होलिका दहन वाले दिन गुलर की लकड़ी को होलिका की अग्नि में समर्पित कर दे और अपनी सारी परेशानी बोल दे। दोस्तों, इससे आपकी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और धन आने के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए अपामार्ग की लकड़ी उन्हें दहन करनी चाहिए होलिका दहन के दिन। दोस्तों, मात्र इस उपाय से आपके घर में जितनी भी परेशानी चल रही थी, लड़ाई झगड़े ग्रह क्लेश चल रहे थे, वह सभी समाप्त होंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर होगा। धनु और मीन राशि के लोगों के लिए पीपल की लकड़ी होलिका में डालें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दिन होलिका दहन के दिन पीपल की लकड़ी होलिका की अग्नि में समर्पित करेंगे तो आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, साथ ही कुबेर देव अपना खजाना आप पर उठाएंगे। और अब हम बता रहे हैं राशियों के अनुसार वह खास आहुति।
अगर राशि के अनुसार आपने डाल दी तो जो भी मनोकामना आपकी है वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह चीज डालते हुए अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। तो जो मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोग हैं वह गुड़ की आहुति होलिका दहन करेंगे और अपनी वाले लोग भूमिका में चीनी की आहुति, वही मिथुन और कन्या राशि के लोग कपूर की आहुति अग्निमय डाल दी। कर्क के लोग रुहबान की और वही सिंह राशि के लोग गुड़ की आहुति डाल दी। मूला राशि वाले लोग कपूर की आहुति डाले और वही धनु तथा मीन राशि के लोग जौ और चना की आहुति डाल दे। कुंभ और मकर राशि वाले तिल का होलिका दहन में आहुति दे। अगर आप अपनी राशि के अनुसार होलिका दहन में ये आहुति दे देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही हम आपको कुछ और खास उपाय बता रहे हैं जो आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं। शरीर की उपटन को होलिका में जलाने से दोस्तों नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है, यानी जितनी भी परेशानियां आपके ऊपर चल रही है या भूत प्रेत बाधा इत्यादि आपको लगता है कि इसका आपको खतरा है तो ये सभी नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि बुरी नजर और अगर किसी ने काला जादू आप पे किया है तो वह भी खत्म हो जाती है। अगर आप सफलता चाहते हैं, नौकरी अथवा एग्जाम में आप सफलता चाहते हैं, तो बस आपको होलिका दहन वाली जगह पर नारियल पान तथा सुपारी की आहुति दे देनी है। इससे आपको अपनी नौकरी में सफलता मिलेगी और परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। अगर घर में बार बार ग्रह क्लेश रहता है, सुख शांति नहीं रहती, पति पत्नी की नहीं बनती, अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ा दे, या फिर पत्नी ऐसा कर सकती है या फिर पति ऐसा कर सकते हैं, दोनों में से एक या मिलकर आप यह आहुति अवश्य दें। इससे ग्रह क्लेश से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया है या अक्सर आपको तो आपको नरसिंह स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित अगर घर दुकान आपका सही नहीं चल रहा, कार्यस्थल में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मानो नजर लग चुकी है, तो होलिका दहन के दिन आपको पहले तो अपने ऑफिस की नजर आप किसी भी सिक्के से उतार ले, 7 बार वार कर, और उसके बाद इस सिक्के को आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दे। इससे आपका कार्य दुकान या घर जहाँ पर आपको प्रगति नहीं मिल रही थी सब में आपको सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही होलिका के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार के खर्च रुक जाते हैं। अगर लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ अरसी और कुछ मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दे, तो उसको हर प्रकार की बुरी नजर से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही।